हाय फ्रेंड्स, मैं कुसुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पास्ता बनाना बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये है पास्ता की सारी इंग्रेडिएंट्स, इसे चेक कर लेते हैं। हमने 1½ कप पास्ता ले लिया है। 1½ कप पास्ता को हम 1 लीटर पानी में बॉयल कर लेंगे। अब सब्जियों में हमने आधी शिमला मिर्च ले लिया है, 1 गाजर, इसको हमने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, कद्दूकस कर लिया है, 2 हरी प्याज के पत्ते, 2 टमाटर, 1 प्याज और थोड़ी सी हरी मटर। होममेड टोमेटो केचप, आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1 इंच अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है, 1 हरी मिर्च है, 6-7 कली लहसुन को हमने बारीक काट लिया है, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, 1 चम्मच अचार का मसाला, या तो आप इसकी जगह धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, 1 पिंच गरम मसाला। एक लीटर पानी बॉयल हो रहा है, अब इसमें हम पास्ता को डाल देंगे। अब इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच ऑयल और इसे ढक देंगे। 5 से 6 मिनट तक हमने इसे बॉयल कर लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसे 5-6 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो यह गल जाएगा। अब हम इसी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे। जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक हम सब्जियों को भून लेते हैं। पैन गरम हो गया है, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। गार्लिक ब्राउन हो गया है, अब इसमें ग्रेटेड जिंजर और ग्रीन चिली डाल देंगे। एक पिंच जीरा भी डाल देंगे। अब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें प्याज डाल देंगे। 1 मिनट प्याज भून के उसके बाद शिमला मिर्च डाल देंगे। इसमें मटर डाल देंगे। अब टमाटर भी हमने डाल दिया है। हल्दी ऐड करेंगे। इसमें हल्दी अच्छी तरह से पक जाएगी। हरी प्याज के पत्ते डाल देंगे। मसाला, अब इसमें पास्ता डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब सब चीज हमने मिक्स कर दिया है, अब इसमें गाजर भी डाल देंगे। गैस को हमने धीमा कर दिया है। अब इसमें धनिया डाल देंगे। टोमेटो केचप,
इसको और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें पास्ता मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हम पास्ता मसाला डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यह पास्ता तैयार है, बहुत चटपटा बना है। इस तरह से आप जरूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।